कुर्सियां लग गईं, स्टेज तैयार हो गया, सानिया कारसाज के शोदा की बरसी, कराची के जिना ग्राउंड में पीपल्स पार्टी का पार्शो, मुर्तजा वहाब, शहला रजा और दीगर रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, बिलावल भुट्टो जियालो का लहू गरमाएंगे। बलूचिस्तान में सियासी बहरान खत्म न हो सका, बीएपी के नाराज अरकान का तहरीक अदम एतमाद के बाद नया पार्लियामानी लीडर चुनने का फैसला, गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा ने सुबह असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया, जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बावजूद आईएमएफ गैर मुतमईन, कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक, पॉलिसी सतह की बातचीत में फरीकैन के दरमियान समझौता ना हो सका, 6 अरब डॉलर प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए इक्तसादी जायजे की तकमील जरूरी। महंगाई पहले कर दी, आईएमएफ से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया, कहते हैं तमाम शराइत पहले मान लें फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, क्या ये है हुकूमत की हिकमत अमली, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद की अमवात, आग लगी नहीं लगाई गई, बच जाने वाले नौजवान का इल्जाम, महबूब की मुदैयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नौजवान के मुताबिक रिश्तेदारों में पसंद की शादी पर झगड़ा था जिस पर घर वालों की जान ली गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई, दियामीर में बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी, कई गाड़ियां फंस गई, रेस्क्यू अलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।